हेलो फोर्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड एट होम। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम इंग्लिश चैनल बुक। चैप्टर 14 इज रे एवरी एन ओलंपिक जंपर। तो इस चैप्टर में हम रे एवरी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा एक ओलंपिक एथलीट है। उसकी बायोग्राफी में पढ़ेंगे कि वो पैरालाइज बॉडी होने के बावजूद भी 10 लगातार गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में। उसकी यही ना बदलने वाली स्पिरिट ने ही यूथ को इंस्पायर किया था। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। रे एवरी वाज ट्रूली एन अमेजिंग एथलीट, विनिंग 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन 4 कंजेक्यूटिव ओलंपिक गेम्स 1900, 1904, 1906 एंड 1908 इन दिस स्टैंडिंग हाई जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड स्टैंडिंग ट्रिपल जंप। रे एवरी सही मायने में एक एथलीट विनर था, जिसने 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे लगातार गेम्स में, लगातार ओलंपिक गेम्स में, जो कि हुए थे सन 1900, 1904 में, 1906 में और 1908 में। उसने कौन कौन सी ओलंपिक गेम्स खेली थी? स्टैंडिंग हाई जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ट्रिपल जंप। इसमें उसने 10 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक गेम्स में। वाइल ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द ऑल टाइम लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ दीज इवेंट, एवरी अचीवमेंट हैज़ अ डीपर रिस्पेक्ट। ही वॉज बॉर्न पैरालाइज फ्रॉम द वेस्ट आर्म। जबकि जो हर हमेशा का लीडिंग एक्सपोनेंट मानने के, हर एक इवेंट में उसको लीडिंग एक्सपोनेंट मतलब कि जीतने वाला माना गया, एवरी की अचीवमेंट बहुत ही गहरा पहलू है, क्योंकि वो जब उसका जन्म हुआ था उसकी जो कमर के नीचे की बॉडी थी वो पैरालाइज थी। डिस्पाइट हिज डॉक्टर प्रिडिक्शन दैट ही वुड नेवर बी एबल टू वॉक और मूव अबाउट हिज ओन, एवरी सेट हिज ओन एक्सरसाइज शेड्यूल एमिंग फॉर प्रोग्रेसिव रिजमेन दैट वुड हेल्प हिम बिकम मोबाइल बाय इंक्रीमेंट्स। बावजूद इसके कि उसके डॉक्टर ने भविष्यवाणी की थी कि वो कभी भी अपने आप से चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, एवरी ने, जो एवरी है, रे एवरी है, उसने अपने आप से ही अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाया, जिसका एम था कि वो नियम के साथ चले और एक बहुत अच्छी सी अपनी बॉडी में बदलाव लाए। बाय डिटर्मिनेशन एंड ईयर्स ऑफ दिस ग्रेवलिंग थेरेपी ही अचीव्ड हिज गोल। उसके डिटर्मिनेशन ने, उसकी कठिन थेरेपी, उस भयंकर थेरेपी होने के बावजूद उसने अपने अचीवमेंट गोल, जो अचीवमेंट थी वो अचीव किए, जो अपने गोल्स थे उसके, उतने इतनी मुश्किल थेरेपीज के बाद, एक्सरसाइजेस के बाद अचीव किए। इवन सो मेयर मोबिलिटी वाज नॉट इनफ, ही हैड टू पुश ऑन टू ग्रेटर हाइट एज इफ टू ओवरकम हिज अर्ली ईयर्स आल टूगेदर। इतना कम नहीं था कि उसने अपनी बॉडी को इतना पुश किया ताकि वो इतनी हाइट पे पहुंच सके जितने उसके बीते हुए शुरुआती साल थे, जो उसके पैरालाइज में वेस्ट हो गए थे ईयर, उसको वो ओवरकम कर सके। इन हिज ट्वेंटीज ही बिकम द न्यूयॉर्क एथलेटिक क्लब स्टार परफॉर्मर इन द स्टैंडिंग जंप। 20 साल की उम्र ने में वो न्यूयॉर्क का एथलेटिक क्लब का स्टार बन चुका था, जिसने कि स्टैंडिंग जंप की थी। स्टैंडिंग जंप का परफॉर्मर बन होके उसने 20 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के एथलेटिक क्लब में स्टार बन गया था। द स्टैंडिंग जंप वर रेगुलर इवेंट इन एवरीज टाइम। जो रे एवरी का हर एक का समय था, हर टाइम वो इस इवेंट को परफॉर्म करता था। कौन से इवेंट को? स्टैंडिंग जंप के इवेंट को। स्टैंडिंग जंप उसका रेगुलर इवेंट था। ऑफन स्टैंडिंग जंप एथलेटिक हेल्ड वेट इन देयर हैंड टू ऐड मोमेंटम एज डिड द एंशियंट ग्रीक व्हेन दे परफॉर्म द रनिंग ब्रॉड जंप। जब भी पुराने समय में ग्रीक का जो एथलेटिक कंपटीशन होता था ओलंपिक का, उसमें जो एथलेटिक्स थे वो अपने हाथों में वेट लेकर चलते थे, बट जो रे एवरी था उसका ये मानना नहीं था, वो बिना वेट के भी बहुत से हाई जंप, स्टैंडिंग जंप करता रहता। द फॉलोइंग्स आर सम ऑफ द एवरीज बेस्ट परफॉर्मेंस विदाउट वेट। इन नीचे कुछ
एवरी की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है विदाउट वेट इन द ओलंपिक एट पेरिस। पेरिस में जब ओलंपिक हुआ था इन जुलाई ऑफ 1904 की जुलाई में जब ओलंपिक हुआ था पेरिस में, ही डिड अ स्टैंडिंग हाई जंप ऑफ 5 feet 5 inches। उसने स्टैंडिंग हाई जंप की थी कितनी इंच की, 5 feet 5 inches की हाई जंप की थी। अगेन एट द सेम गेम इन पेरिस, पेरिस में दोबारा से सेम गेम में उसने क्या किया था, स्टैंडिंग हॉप स्टेप एंड जंप ऑफ 34 feet 8.5 inches। 34 feet 8.5 inches की उसने स्टेप जंप ली थी पेरिस के उसी ओलंपिक में जो 1906 में जुलाई में हुआ था। देन ऑन 4 अगस्त इन न्यूयॉर्क सिटी ही परफॉर्म अ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ऑफ 11 feet 6 inches। और 4 अगस्त को न्यूयॉर्क सिटी में जब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का कंपटीशन हुआ था तो उसने परफॉर्म किया और कितनी लंबी जंप ली, 11 feet 6 inches ब्रॉड जंप ली थी, 11 feet 6 inches की। While the standing jump was discontinued from the Olympic in 1910, Ray Avery records of 10 gold track and field medals leave on. जबकि standing jump हट गई थी Olympic Games से 1910 में, Ray Avery ने तब तक 10 gold track जीत लिए थे, 10 gold medal जीत लिए थे Olympic Games में 1910 में। स्टैंडिंग जंप को हटा दिया गया था, रे एवरी ने तब तक गोल्ड मेडल जीत लिए थे। एंड इवन मोर सो डज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज इनडोमिनेटेबल स्पिरिट। इससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे ना बदलने वाली स्पिरिट को देखकर, रे एवरी की ना बदलने वाली स्पिरिट को देखकर बहुत से लोग इससे इन्फ्लुएंस होते थे कि ऐसे स्पिरिट सब में हो। तो ये था रे एवरी की बायोग्राफी जिसमें बताया कि रे एवरी की जो बॉडी थी वो पैरालाइज थी, फिर भी उसने अपनी बॉडी को ठीक किया, और ठीक ही नहीं किया, वो ओलंपिक जंपर बना, हाई जंपर बना, ट्रिपल जंपर बना, ठीक है ना। तो ये था चैप्टर 14, रे एवरी एन ओलंपिक जंपर। थैंक यू।